लगाई होती है वो सब आप लोगों को बिल्कुल लगभग पता होती है। पिता का पिता क्या होता है? दादा होता है। और पिता की पत्नी क्या होती है? दादी। पिता की पत्नी क्या होती है? दादी। सामान जाते हैं आपको प्राप्त होती है। उससे पहले आपको बता दें जहाँ पर जब गोला बनाएंगे गोले बराबर महिला को दर्शाएंगे क्योंकि महिला का कार्य होता है खाना बनाने का। और खाना बनाने के लिए तो रोटी हमेशा गोल होती है तो गोले बराबर क्या मानेंगे? पुरुष हमेशा घर बनाने की कोशिश करता है और घर हमेशा चौकोर होता है इसलिए जहाँ पर भी चौकोर बॉक्स बनाएंगे किसको दर्शाएंगे? पुरुष को दर्शाएंगे। अटूट बंधन के माध्यम से अपन भाई और बहन को दर्शाएंगे। डबल रेखा के माध्यम से पति और पत्नी को दर्शाएंगे क्योंकि पति और पत्नी का क्या होता है? जोड़ा होता है। उसके बाद अगर बात करें तो ऊपर की ओर अगर होंगे तो पिता या माता होगी नीचे और पुत्र या फिर पुत्र। हम माना कि किसी भी एक व्यक्ति का जन्म हुआ है और जन्म के समय की अगर अपन बात करते हैं माना कि यहाँ पर एक व्यक्ति का जन्म हुआ और यहाँ पर आप अपने आप को स्वयं मान सकते और यहाँ पर अपन बना देते एक महिला माना कि बालिका का जन्म हुआ और जब बालिका का जन्म हुआ अगर मौसी के अपन भाई बना देते हैं मौसी के अपन भाई बना देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? मामा हो जाएगा। अगर मामा के अपन पिता बना दे नाना की शादी करवा दे इधर मामा की अगर शादी करवाएंगे तो क्या आएंगे? इधर अगर मौसी की शादी हो जाती है तो क्या होगा? इधर पिता के पिता दादा की शादी होगी दादे। इधर दादा के भी पिता बना दे ये हो जाएंगे बना दे।
जनरेशन की यहाँ पर कितनी जनरेशन बन चुकी है, पीढ़ी, इसको बोलते हैं पीढ़ी, एक दो तीन चार पाँच छह सात, यानी कितनी पीढ़ी तक है, सात पीढ़ी। एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी पूरी लाइफ में अधिकतम न्यूनतम कितना देख सकता है, लेकिन अधिकतम सात पीढ़ी देख सकता है, अधिकतम कितनी देख सकता है, सात पीढ़ी देख सकता है। क्वेश्चन केवल सात पीढ़ी से संबंधित पूछा जाएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जिसको देख रहा है उसके साथ रिश्ता कैसे हो सकता है। भाई परदादा, आप लोगों से आप लोगों में कुछ व्यक्ति ऐसे जिन्होंने परदादा को देखा हो, बाकी बहुत कम चांस है जिन्होंने परदादा को देखा हो, और तब तक आप परदादा या परदादी बनेंगे तब तक आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन संभव है, रहना संभव है, लेकिन देखना बहुत कम चांस है वर्तमान में, क्योंकि पहले 100 साल जीते थे व्यक्ति, और अभी वर्तमान में लगभग 70-80 लाख चल रहा है, ऑल आउट में जाते हैं। अब देखिए, ये तो अपन इसका चार्ट बना लिया, इस प्रकार से अपन को रिश्तेदारों को जोड़ना है। माना कि आपका जन्म हुआ उस समय कम से कम इतने रिश्तेदार आपके होंगे, रिश्तेदार कौन बोलते हैं, क्योंकि दो दो मामा चार चार मामा होती है, तो इनको जोड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम इतने लोग आपके पिताजी को बधाई देने के लिए पधारे हैं, तो इनके साथ आपका रिश्ता अपने आप जुड़ा है, अपने आप जुड़ा है जन्मों से, तो इसे कहा जाता है ब्लड रिलेशन।